नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। भावी प्रत्याशियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। राइस न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर खास रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे गोपालगंज की खिरीडी पंचायत, जहां क्षेत्र संख्या 3 से राकेश पांडे भावी BDC प्रत्याशी हैं। राकेश पांडे का कहना है कि अगर खिरीडी क्षेत्र संख्या 3 की जनता ने उन्हें BDC के रूप में चुना तो वो इलाके का चहुमुखी विकास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रूपेश कुमार, राई न्यूज में स्वागत है आपका। आज गोपालगंज जिला प्रखंड विजयपुर में पहुंचे हुए हैं। मेरे सामने यहाँ पे भावी BDC मेरे सामने उपस्थित है। आइए इनसे आप परिचय जानना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम राकेश पांडे है। जी जी। और मेरी पंचायत का नाम पंचायत राज खिरीडी। जी जी। मैं BDC भाई प्रत्याशी हूँ। जी जी। आपने पंचायत में क्षेत्र संख्या 3 से भावी BDC से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। जी। आपके चुनाव लड़ने की क्या उद्देश्य रहेगा? मेरा चुनाव लड़ने का उद्देश्य था कि यहाँ बहुत दिनों से, बहुत विगत वर्षों से, यहाँ 20 वर्षों से आए दिन में BDC रहे लोग, लेकिन यहाँ आए भी नहीं, यहाँ देखे भी नहीं। हमारे यहाँ जो भी स्थिति है, जर्जर स्थिति है। इसलिए हमारे गांव के हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे बुजुर्ग साथ दिया हमारा और बोले कि नहीं, आप लड़िए, आपके हम साथ रहेंगे, हम लोग चुनाव में आपके सहमत हैं और हम इस बीच पे चुनाव लड़े और हमको ये तैयारी हुआ नहीं, हम चुनाव जीत जाएंगे तो हमारे साथ सभी लोग हैं तो हम अपने बेस पे जो कि चुनाव लड़े। क्या जानता आपकी बार आपको भावी BDC से क्षेत्र संख्या 3 से चुनाव जिताने का प्रयास करेंगे, आप जीत जाएंगे? जनता आपको आशीर्वाद देकर चुनाव जिताती है, तो किस तरह ये जनता को देखने का काम करेंगे? हम जैसे हमारा ये है कि साथ दीजिए ना। जी जी। साथ दीजिए, काम हम करेंगे। जी जी। पहले हम ये नहीं कि झूठ कर देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, ईटा बनवा देंगे। जो हमारी बस की होगी, जो हमारी औकात की, जो हमारी क्षमता की होगी, जैसे BDC पद का क्या करना है वो पद को हम खाली नहीं जाने देंगे। यहाँ ये मेरा वादा है कि हमारे जो बस का होगा, जो हमारे हक में आएगा, जो हमारे हित में होगा, वो हम करेंगे। कोरोना जैसे महामारी बीमारी में सारे लोग आपके क्षेत्र संख्या 3 से सारे लोग वैक्सीन ले चुके हैं? नहीं, अभी तो कुछ लोग बहुत बाकी है, बहुत का लगभग 90% लोग बाकी है, 10% भी नहीं हुआ है। क्या आपके क्षेत्र भावी BDC के कारण क्षेत्र संख्या 3 से नीतीश कुमार जैसे नल जल योजना हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ और राशन कार्ड की क्या स्थिति है? रोड की स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ सभी लोग देख रहे हैं कि कैसा स्थिति है। और भी बहुत लोग हैं जिसको राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, जिनको APL का सुविधा नहीं मिल रहा है। तो बहुत सी चीजें हैं जो नहीं मिल रहा है। क्या आपने आपकी बार जनता आपको आशीर्वाद देकर जिताई, क्या ये पूरे समस्या को दूर आप कर पाएंगे? अभी भी हम कहें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम ये कर पाएंगे। हमारे बस की, हमारे जो क्षमता होगा, जो हमारा पद होगा, जो हमारे हक में आएगा, उसको हम करेंगे। अपने पंचायत को किस तरह का आदर्श पंचायत बनाने का काम करेंगे? तो हमारा ये लक्ष्य है कि हमारे मतलब जो भी अधिकार में आएगा, जैसे मान लीजिए कि रोड हुआ, नाली हुआ, जैसे कहीं पुल पुलिया हुआ, वो हमारा जो आएगा वो हम अवश्य करेंगे। कि हमारा ये मतलब इसी है कि हम मतलब जो भी हमारे हक में आएगा करेंगे। और हमारे बस का होगा युवाओं को कोई खेल कूद का देना या कोई ग्राउंड बनाना, बनवाना, वो भी हम करेंगे। और हमारे साथ ये युवाओं का ऐसी है कि नहीं, हम लोग पास कुछ है, यहाँ ये हमारे यहाँ स्थिति है कि कुछ नहीं, युवाओं के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे स्कूल ना कोई ग्राउंड है, जर्जर व्यवस्था है, स्कूल विद्यालय के नाम की चीजें नहीं है। क्या आप जीतेंगे तो ये सारी व्यवस्था कर पाएंगे? वो सर हाँ एकदम बिल्कुल करेंगे। ये मेरा लक्ष्य है कि जो भी टूटियां है, जो भी कमी है, शायद हम उसको पूरा करने के लिए तत्पर हैं और करेंगे। किस तरह के राई न्यूज में आप संदेश देने का काम करेंगे? राई न्यूज में मेरा ये रहेगा कि जो पहले से BDC थे, जितने भी काम वो अधूरा छोड़े थे या नहीं हुआ है, तो अथवा मैं संभव प्रयास करूंगा कि इस लोगों के बीच, इस युवाओं के बीच मैं जनाऊं कि हाँ, आप लोग, हम लोग के हक में ये आता था और हम लोग को नहीं मिल पाता था, तो शायद हम संभव प्रयास करेंगे कि हम उन लोगों को ये हक दिलवाएं और ये हक मिले। अपना नाम बताएं। राम से। क्या अपनी भावी BDC से किस तरह से देखना चाहेंगे? अब की बार बढ़िया देखना चाहते हैं जी। क्या ये जीतेंगे तो आपको काम कर पाएंगे? हाँ, काम करेंगे। यहाँ पे भावी BDC से राकेश पांडे जी यहाँ चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, क्या आपने भावी BDC से इनसे जिताएंगे आप? जी। अपना नाम बताएं। अली मंसारी। क्या आपको राशन मिलता है? जी हाँ। नहीं, मुझको नहीं मिलता है राशन। नहीं मिलता है? जी नहीं। नल जल योजना का पानी समय से पहुँचता है? समय से नहीं है। जी जी। एकदम बेकार है, पानी नहीं पहुंचता है। नहीं पहुंचता है। क्या अभी राकेश पांडे जी भावी BDC से उम्मीदवार जीतेंगे तो क्या ये कर पाएंगे? ये जरूर करेंगे। क्या इनको आप लोग वोट देंगे? जरूर देंगे, हम इनके साथ में रहेंगे। जी 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 जी। यहाँ पे मेरे सामने यहाँ मौजूद है, इनसे परिचय जाना चाहिए। अपना नाम बताएं।
राम आधार पाल। अभी भावी बीडीसी से राकेश पांडे जी सीट संख्या 3 से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, क्या इनको आप लोग जिताएंगे? हाँ हम लोग बहुत खुशी है जी, इनको खड़ा करा दिया हम लोग जी, जी पूरा गांव भर के मिल करके जी जी, इनके साथ में हम लोग रहते हैं जी जी जी। क्या ये जीतेंगे तो गरीबों को सेवा करेंगे? बहुत काफी। अपना नाम बताएं। मेरा नाम अखिलेश पाल है। अभी भावी बीडीसी से राकेश पांडे जी यहाँ सीट संख्या 3 से बीडीसी से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, क्या उनको आप लोग जिताएंगे? जिताने के लिए बिल्कुल तैयार है सर। क्या ये जीतेंगे तो आप लोग काम कर पाएंगे? करेंगे 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 जी जी। अपना नाम बताएं। नाम राम। राकेश पांडे जी को किस तरह देखना चाहेंगे आपकी बार भावी बीडीसी? चाहते हैं कि अच्छा बीडीसी बने जी जी। और हम लोग उनका पूरा साथ दे रहे हैं जी जी। जो भी इससे पहले जो बीडीसी रहे जी जी। अभी तो उन्होंने कुछ किया नहीं जी जी। मैं चाहता हूँ जो छोड़े हुए हैं उन्होंने काम, उसे राजेश पांडे जी पूरा करें जी जी। इसी के विश्वास के साथ हम लोग सब उनके साथ हैं। ये वार्ड नंबर 10 के पास में मौजूद हूँ। यहाँ पे रोड के कंडीशन देखा जा रहा है, यहाँ पे पानी ही पानी है, इसका डिशन यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पे नहीं अभी तक ना मुखिया यहाँ पर सुनवाई देकर रोड बना चुके हैं, यह अधूरा है। यहाँ पे आने जाने की गांव की कितने घर है, आने जाने की दिक्कत हो रही है इस रोड के। आने जाने पे अभी तक रोड अधूरा पड़ा हुआ है, अभी तक इसको पीसीसी हो जाना चाहिए, अभी तक नहीं बना है। मैंने इस जनता से आवाज लेना चाहते हैं, किस कारण से रोड पीसीसी नहीं हुआ है इसके बारे में बताएंगे। रोड किस कारण से रोड पीसीसी नहीं हो पाया है? यहाँ हम लोग सब लोगों के पास गए, मुखिया के पास गए, अपने जो भी बीडीसी के पास जो थे पहले वहाँ भी गए, वो तो सुनते ही नहीं, तो कभी आते ही नहीं है। लेकिन मुखिया भी इसे ध्यान नहीं दिया, हम लोग कई बार गए, कई बार फोन भी किए, लिखित भी दिए, बुलाए भी, लेकिन आए जितना हुआ कराए उस बार आए भी नहीं। आए दिन प्रयास करते हैं कि रोड बने रोड बने, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई दिखने वाला नहीं है इस गाँव को, क्योंकि कोई ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ जी। यहाँ पे अभी जनता से आवाज लेना चाहेंगे, किस कारण से रोड अधूरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे बताएंगे। चाचा जी अपना नाम बताएं। सुखदेव राम। जोर से बोलिए। हाँ सुखदेव राम। किस कारण से रोड अधूरा पड़ा हुआ है, पानी ही पानी है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारे यहाँ खिरडी पंचायत के पारस मुखिया है जी जी, उनके पास हम लोग जाते हैं, तैयार करके जहाँ तहाँ माटी गिरवा करके खनजा उतना दूर करा दिए हैं जी जी। उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं, किससे हम लोग बोले? क्या आपकी बार आपने भावी बीडीसी से सेट संख्या 3 से आप जिताएंगे, क्या ये रोड कंप्लीट कर पाएंगे? राजेश पांडे करेंगे, राकेश पांडे कर पाएंगे, उनका ऊपर दावा है कि आप करेंगे, कहते हैं कि हम करेंगे, हम लोग दावा देते हैं कि हम लोग आपको वोट देंगे जी जी जी। ये पूरे कार्य करेंगे। आपने नाम बताएं। नागेंद्र राम। ये रोड के कंडीशन बहुत खराब है बाबू, पानी पानी है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, इसके बारे में क्या पेंडिंग है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत दिक्कत है, हमारे यहाँ बाइक को रुकवाई है, बाइक को रुकवाई है, ऊपर कर लेता है, और अब इतना दिक्कत है, देखो वहाँ पे गाड़ी आ रही है, कितना दिक्कत हो रहा है, आने जाने का हम लोग को कुछ व्यवस्था ही नहीं है।